बिहार की नीतीश सरकार कभी भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दल भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर यह मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने विपक्ष के इस दाव की काट तैयार कर ली है, जिसे 2024 में ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में जातीय जनगणना की काट के लिए ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए बनाई गई जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर सकती है। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि 5 दिनों के विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता बिल समेत जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी संसद में पेश कर सकती है। कमेटी ने जुलाई में ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। विपक्ष को झटका देने की तैयारी में बीजेपी अगर रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश करती है तो ओबीसी की राजनीति करने वाले दलों के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। बीजेपी भी विपक्ष को जातिगत जनगणना के मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी की कोशिश ओबीसी के अंदर उन जातियों की हमदर्दी हासिल करने की है जिन्हें अब तक आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पाया है। लंबे समय से उठ रही है मांग। लंबे समय से ओबीसी में आने वाली कई जातियों का मानना है कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ गिनी चुनी जातियां ही उठा रही हैं, जबकि उसी कैटेगरी में अपेक्षाकृत ज्यादा पिछड़ी जातियां लाभ से वंचित रह जाती हैं। इसी शिकायत को दूर करने के लिए कोटा के अंदर कोटा यानी ओबीसी कैटेगरी के अंदर अन्य जातियों के बीच आरक्षण की सीमा तय करने का जिम्मा रोहिणी आयोग को सौंपा गया था। आयोग की रिपोर्ट में क्या है? जस्टिस रोहिणी कमीशन ने राष्ट्रपति को 1100 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में सिफारिशें 2 भागों में बटी हुई हैं। रिपोर्ट के पहले भाग में ओबीसी आरक्षण के ओबीसी जातियों के बीच हॉरिजॉन्टल बंटवारे से जुड़ा है, जबकि दूसरे भाग में 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का लाभ पाने में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। इसमें सरकारी योजनाओं खासकर आरक्षण से लाभ पाने वालों का डेटा संकलित है। रिपोर्ट के राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रोहिणी कमीशन का गठन केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के पिछड़े वर्गों खासकर अति पिछड़ों को लुभाने के लिए किया था। माना जाता है कि ओबीसी के तहत आने वाले यादव समुदाय के लोग बीजेपी को कम वोट करते हैं, लेकिन यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने में सबसे आगे हैं, जबकि नोनिया, कहार, बढ़ई, कुम्हार, धानुक, चौरसिया, राजभर, कश्यप, बिंद, केवट, निषाद और आदि जातियों को आरक्षण का उनकी संख्या के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी को इन जातियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। ओबीसी आबादी कितनी? NSSO की एक सर्वे के मुताबिक देश में करीब 41% ओबीसी आबादी है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये आबादी 52% है। इंडिया गठबंधन के घटक दल सभी ओबीसी जातियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार और बीजेपी को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट विपक्ष की जातीय जनगणना वाले दाव की काट हो सकती है। साथ ही 2024 में ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का मौका भी बीजेपी के पास होगा।